रोनी, ये म्यूजिक आहिस्ता करो। और ये जश्न मनाया किस बात का जा रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है खुदा का कि आप भी खुश हैं। लेकिन रोनी, आप खुश हैं क्यों? खुश तो हूँ मैं, और खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। ओ, यकीनन आपने मेरे लिए कोई ड्रेस खरीदा है। पता है रिया, वो सरप्राइज ड्रेस से भी बढ़कर है। ओ रियली? फिर तो स्क्रीन से पर्दा उठा दिया जाए और रोनी मुझे मेरा सरप्राइज दिया जाए। मैं आंखें बंद कर रही हूँ, आप मुझे मेरा सरप्राइज दे दें। ना ना ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। आपका सरप्राइज इसी रूम में है। कोई हिंट तो दे दो रोनी। वो एक ब्लू कलर का बॉक्स है और उसमें एक लाल रंग का पेपर होगा। ये तो मुझे मिल गया। तो रिया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे वाह रोनी, तो बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। और इस पे लिखा है तसलीज, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूपा। लेकिन रोनी, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने ये लिखा क्यों है। रिया, आप जो हर बार मेरा टेस्ट लेती रहती हैं, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपका भी टेस्ट लूं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? ओ, तो अब समझ आई मुझे बात। तो रोनी, ठीक है, तो फिर सुनने के लिए तैयार हो जाए। रोनी, बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं कि सच्चा और जिंदा खुदावंद सिर्फ एक ही है, और उसकी जात में तीन अकानीम शामिल हैं, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदाए रूह पाक। खुदा बाप जो आसमान पे है और उसे किसी ने कभी नहीं देखा और ना कोई उसे देख सकता है। खुदा बेटा यानी यीशु मसीह, जिसे खुदा बाप ने हमारी खातिर ज़मीन पे भेजा ताकि हम निजात पा सकें। और खुदाए रूह पाक, जो सच्चाई का रूह है, जो हमें खुदा की सदाकत, शैतान और हमारे बारे में सिखाता है। क्या बात है रिया, बहुत खूब, आपको तो पता था, इंटेलिजेंट हो आप भी मेरी तरह। जी रोनी, मैं बिल्कुल आप ही की तरह इंटेलिजेंट हूँ। और आपको याद है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पे एक अजीब माजरा पेश आया। खुदा में जो तीन अकानीम हैं वो इकट्ठे हो गए जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आए। हाँ हाँ रिया, मैं बताता हूँ। आसमान खुल गया और रूह कुदस कबूतर की मानित नाजिल हुआ और यीशु मसीह पर आकर ठहर गया। और फिर आसमान से एक आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। रोनी, आई एम इम्प्रेस्ड। अभी तो आप मुझसे और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगी, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ और भी सरप्राइज रखा है। ओह रियली रोनी, अगर फिर से आपने पेपर पे कुछ इसी तरह का लिखा है तो मैं ढूंढने के लिए तैयार हूँ। और वो भी आपको इसी टेबल पर मिलेगा। पेपर की सूरत में? जी। ये मुझे मिल गया। बहुत खूब रिया, आपने तो सब ढूंढ लिए। और रोनी, इसके ऊपर लिखा है खुदा सादिक है, खुदा वफादार है, खुदा भला है, खुदा रहीम है, खुदा मोहब्बत है, खुदा पुरजलाल है और खुदा यहाँ पे मौजूद है। देखो रोनी, मैंने पता लगा ही लिया। और थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत सरप्राइज के लिए। बस रोनी साहब है ही कमाल के। बहुत खूब रोनी, आप वाकई में कमाल के हैं। और आपको ये सारी सफात भी याद हैं। वेरी गुड। जी बिल्कुल, आप पता नहीं मुझे क्या समझती हैं। अच्छा रोनी, तो
फिर आप मुझे ये बताएं कि खुदा सादिक है, इसका क्या मतलब है? रिया, इसका मतलब है खुदा हमेशा वही काम करता है जो रास्त है। और सबूत 145 17वीं आयत में भी लिखा है, खुदावर अपने सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। और चूंकि खुदा सादिक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहों की सजा भी देता है। रिया, मुझे याद है, मैं बताता हूँ। सॉरी सॉरी रोनी, ठीक है आप ही बताएं। जी तो रिया, खुदा भला है और इसका मतलब ये है कि खुदा ने जो कुछ करने का वादा किया है वो हमेशा पूरा करता है। वो अपने कॉल और वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने हर वादे पर कायम रहता है। वो सदाकत का खुदा है। वेरी गुड रोनी, आपने आज फिर से मुझे खुश कर दिया। थैंक यू रिया। अच्छा रोनी, अब मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सी बातें हैं जो खुदा को नापसंदीदा हैं? रिया, खुदा को गुनाह से नफरत है। खुदा गुरूर और तकब्बुर को पसंद नहीं करता। खुदा बुतों से नफरत करता है। खुदा को नाफरमानी से नफरत है। और रोनी, मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी बातें हैं जो खुदा को पसंद हैं। क्या मैं नहीं बता सकता? जी जी रोनी, आप ही बता दें। रिया, जो खुदा को बातें पसंद है वो ये है, खुदा रास्तबाजी को पसंद करता है। खुदा मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है। खुदा उनसे मोहब्बत करता है जो यीशु के हुक्मों पर अमल करते हैं। खुदा खुशी से देने वालों को पसंद करता है जो खुदा के बेटे से मोहब्बत करते हैं। खुदा उनसे खास मोहब्बत करता है। वेरी गुड रोनी। रोनी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सच में मेरी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और ना सिर्फ ध्यान से सुनते हैं बल्कि उन्हें याद भी रखते हैं, और इसके लिए दिल से आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। बस करो रिया, अब रुलाओगी क्या? तौबा है रोनी। चलो अच्छा है, मेरी वजह से तौबा भी कर ली आपने। रोनी, बाज आ जाओ। और अगर ना तो फिर मेरे पास एक और हल है। मेरे पास और बहुत सारे बातें हैं जो मैंने आपसे पूछनी है, तो उससे सुन लेती हूँ। ये तो बातें होती रहेंगी। चले चलते हैं अंजल भाई की तरफ और देखते हैं कि वो आज हमें कौन से ईमान के हीरो के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, और अमजद भाई आप भी ठीक ही होंगे शायद। अरे निम्रा, क्या मतलब, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है अमजद भाई कि आप ठीक हैं, वरना हमें कहानी कौन सुनाएगा? कहानी? लेकिन आज तो मेरे पास कोई कहानी नहीं है सुनाने के लिए। अमजद भाई, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं निम्रा, मैं सीरियस हूँ, आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है आपको सुनाने के लिए। अमजद भाई प्लीज, जल्दी से कहानी शुरू करते हैं, काफी देर हो रही है, प्लीज। ओके ओके निम्रा, तो फिर हो जाओ तैयार ईमान के एक और हीरो के बारे में जानने के लिए। ये हुई ना बात, हम तैयार हैं। क्यों दोस्तों, अब तैयार है ना? तो अमजद भाई, आज की कहानी के हीरो का नाम क्या है? आज की कहानी में ईमान का जो हीरो है वो है खुदा का बंदा अब्राहम। ओ अब्राहम, एक मिनट अमजद भाई, आपने क्या नाम लिया? अब्राहम? जी हाँ निम्रा, इब्राहिम का पहला नाम अब्राम था, लेकिन जब खुदा ने उसे चुना और बरकत दी तो खुदा ने उसका नाम भी तब्दील कर दिया। और आपको पता है कि इब्राहिम का मतलब क्या है? जी अमजद भाई, मैंने संडे स्कूल में सीखा था, इब्राहिम यानी कौमों का बाप। वेरी गुड निम्रा, अब्राहिम का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो बुतों की पूजा करता था, और इब्राहिम खुद भी एक पुजारी था, लेकिन वो अपने खानदान के दूसरे लोगों से मुनफरिद था। और एक दिन उसने एक आवाज़ सुनी जिसने उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, और ये आवाज़ खुदा की थी। अच्छा, वो कैसे? निम्रा, जब खुदा ने इब्राहिम को पुकारा तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़कर खुदा के पीछे चलने का फैसला किया, और यहाँ तक कि उसने अपने मुल्क, अपने बाप के घराने को और अपने सब रिश्तेदारों को भी खुदा के लिए छोड़ दिया, और उस मुल्क में जाने के लिए तैयार हो गया जो उसने देखा भी नहीं था। ओह वेट वेट वेट, तो आपका मतलब है कि इब्राहिम को बिल्कुल अकेला होना था, यानी सब कुछ छोड़ना था। ये तो बहुत मुश्किल काम था। यकीनन इब्राहिम ने मना कर दिया होगा और फिर खुदा ने कोई और हल निकाला होगा। अरे नहीं निम्रा, बल्कि बाइबल हमें बताती है
ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। इब्रानियों 11वें बाब की 8वीं आयत। यानी खुदा के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया, वाह ये हुई ना हीरो वाली बात। लेकिन अमजद भाई, खुदा इब्राहिम को किस मुल्क में लेकर जाना चाहता था, वो मुल्क कैसा था? निम्रा, खुदा ने इब्राहिम के साथ एक अहद किया जो 3 बड़े वादों पर मुश्तमिल था, और उसमें पहला वादा मुल्क मौदा का था, यानी वादा की हुई सरजमीन, यानी मुल्क कैनान, जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, यानी बरकत ही बरकत। वाओ। और निम्रा, खुदा ने इब्राहिम से ये वादा भी किया जो पैदाइश 12वें बाब की 1-3 आयत में लिखा है कि जो तुझे मुबारक कहे उसे मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और निम्रा, इब्राहिम ने खुदा पर ईमान लाकर वो मुकाम हासिल किया जो किसी दूसरे को नहीं मिला। क्यों अमजद भाई, क्या खुदा ने इब्राहिम को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया? बल्कि नहीं, बहुत सारी दौलत दी होगी या फिर बादशाह बना दिया होगा, ऐसा ही है ना? अरे नहीं निम्रा, बल्कि इससे भी ज्यादा कीमती, और वो जानती हैं क्या? क्या अमजद भाई? अब्राहम इंसान की वो पहली मिसाल है जिसे खुदा ने चुना और बुलाया, और खुदा का अब्राहम के साथ वादा था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तुझे सरफराज करूंगा और तू बाइस से बरकत होगा। बड़ी कौम, अमजद भाई, कहीं यहाँ पर कौम इसराइल की बात तो नहीं हो रही? जी हाँ निम्रा, यहाँ पर कौम इसराइल ही की बात हो रही है, क्योंकि खुदा इसी कौम के वसीला से ज़मीन के तमाम कबीलों को बरकत देने वाला था, और इसीलिए खुदा ने अब्राहम से कहा कि तेरे वसीला से ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। यानी सारी दुनिया इब्राहिम के वसीले से बरकत पाएगी, वो कैसे अमजद भाई? निम्रा, क्यों ना इसका जवाब आप खुद तलाश करें, अपनी बाइबल खोलें और देखें कि उसमें क्या लिखा है। जी अमजद भाई। हाँ तो दोस्तों, क्यों ना आप सभी मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें, हम मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो दोस्तों, निम्रा तो अपनी बाइबल ले आई है, और मेरा ईमान है कि आप भी अपनी बाइबल लेकर आ गए हैं। तो जल्दी से अपनी बाइबल को खोलिए और उसमें से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए। और निम्रा, आप पढ़ के बताएं कि वहां पर क्या लिखा है। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। तो निम्रा, कुछ समझ आया आपको? ओ समझ गई, इब्राहिम की नस्ल यानी कौम इसराइल, और कौम इसराइल से यीशु जिसने तमाम दुनिया के लिए जान दी और हमें बचा लिया। वाओ कितना अमेजिंग है ये सब। वाकई निम्रा, ये अमेजिंग है। और दोस्तों, ये खुदा का इब्राहिम के साथ तीसरा वादा था। दोस्तों, खुदा हमें भी इब्राहिम की तरह बुलाता है ताकि हम इस दुनिया में मुसाफिर और परदेसी बनकर रहें। जी दोस्तों, हमें भी ये दुनिया और सब कुछ छोड़कर खुदा के पास जाना है, और आपने देखा कि इब्राहिम खुदा से इतना प्यार करता था कि उसने खुदा के कहने पर सब कुछ छोड़ दिया, और खुदा ने उसे कामयाब किया। क्या मैं और आप भी खुदा के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं? मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, है ना अमजद भाई? जी निम्रा, बिल्कुल। जब हम किसी काम को करने के लिए पूरे दिल से कोशिश करते हैं तो हम उसमें ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अमजद भाई, क्या इब्राहिम अकेला था? वो मुल्क कनान में कैसे पहुंचा? उसकी बीवी और बच्चे थे, वो काम क्या करता था? अरे अरे और... रुको तो सही निम्रा, ये सब जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। ओके अमजद भाई। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम अकेला नहीं था। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आपने भी आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा, और अमजद भाई, मुझे तो अभी से अगले एपिसोड का इंतज़ार है ताकि मैं जान सकूं कि इब्राहिम के साथ कौन था और आगे क्या हुआ। तो निम्रा, मुझे खुशी है कि हम इस एपिसोड में खुदा के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। और दोस्तों, उम्मीद किड्स टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस एपिसोड को लाइक करें, और हाँ, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तब तक के लिए बाय।